शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे देखो श्रवणी ने कितना बढ़िया इंतजाम किया है आज। क्या बात है श्रवणी, ये तो हम सिर्फ पिक्चरों में देखे हैं। का कहते हैं छुट्टी, कैंडल लाइट डिनर। हाँ वही, बड़ा सुंदर सजाया है शिवान साहब, कुछ बनाया आज, सारा का सारा पकवान श्रवणी ने खुद अपने हाथों से बनाया। पर मम्मी ऐसे खुशी के मौके में बाकी सब कहाँ रह गए? अम्मा जी, अम्मा जी आइए, देखिए कितना अच्छा खाना बना है। आज कोई दावत है क्या? वो अम्मा जी, श्रवणी को ना अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो पश्चाताप कर रही है ना। तो सबके लिए आज खुद श्रवणी ने अपने हाथों से इतना सारा खाना बनाया है। सब कुछ तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको ना कुछ अधूरा सा लग रहा है। अधूरा? क्या नहीं है, क्या नहीं है? हाँ मम्मी, खाने के बाद कुछ मनोरंजन तो होना चाहिए ना। ताकि हम और शिवांश कुछ समय एक साथ बिता सके, है ना शिवांश? मनोरंजन? याद आ गया, बस एक मिनट आप लोग रुकिए, हम अभी आए इंतजाम करके। हमको स्वीटी ने बताया कि तुम बचपन में खूब नाचती थी, बहुत शौक था तुम्हें नाचने का, पर शर्माती थी। आज शर्म वरम छोड़ो और आज सबका मनोरंजन कर दो, खासकर हमारी स्वीटी का। हाँ मम्मी, इसे तो बहुत शौक है नाचने का, हम दोनों तो बचपन में एक साथ भी नाचते थे, पर ये ना हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे नाचती थी, है ना दीदी? चुप काहे हो, ना नहीं कर सकती, काहे कि अगले 24 घंटा चाकरी करनी है ना मेरी बेटी की। बड़की ठकुराइन, उसकी हालत तो देखो कैसी है, ऐसी हालत में वो नाच गाना कैसे करेगी? अरे वो बहुत पुराना जमाना था जब लड़की को बिस्तर पे लिटा के वो गोंद का लड्डू खिला खिला के उसको मतलब एकदम सुस्ती बना देते थे। आजकल की लड़कियां मतलब वो क्या कहते हैं, योगा करती हैं, व्यायाम करती हैं, सुबह टहलने जाती हैं, उससे जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहता है, है ना श्रवणी? तुम तो डॉक्टर हो, वो सब जानती हो। लेकिन चंद्रा जी, ऐसी स्थिति में श्रवणी को ये सब नहीं करना चाहिए। स्थिति तो ये है वसुधा जी कि अगले 24 घंटा श्रवणी को वही करना पड़ेगा जो स्वीटी कहे। भूल गई, नहीं तो स्वीटी फिर चली जाएगी ना यहाँ से, फिर क्या करेंगे? कैसा तुम्हारे हाथ में? ऐसी कराहट जब तुम्हारे पैर में ये घुंघरू चुभेंगे ना नाचते नाचते, के लिए ना हमारा दिल बेचैन हो रहा है श्रवणी। काहे कि नाचोगी तुम, झूमेंगे हम, अब मजा आएगा। बहुत नचाई हो ना सबको, बहुत शौक है ना तुमको नाचने का, अब नचाते हैं तुमको।
चलो चलो सब लोग खाना खा लो, फिर मनोरंजन भी होगा। बैठिए। अरे अम्मा जी आप तो यहाँ आके बैठिए। बैठिए वसुधा जी। चलो चलो जाओ तैयारी करो जाके, तब तक हम लोग सब लोग खाना खा लेते हैं। बस सच में बहुत बढ़िया इंतजाम की हो। शुरू करें श्रवणी। श्रवणी क्या हुआ? श्रवणी आप ठीक है? श्रवणी आप पानी ले। पानी बस बहुत हो गई चाकरी, अभी इस वक्त हमें हमारी बीवी। हमारा मतलब है अभी इस वक्त हमें अपने बच्चे को देखना। इनकी कोख में हमारा बच्चा है, सुना सब लोगों ने? छोड़ो देख लीजिए। पानी लाइए। शबनी सब ठीक है ना? हाँ दोनों ठीक है, लो बीपी की वजह से शायद चक्कर आ गया। हे भगवान आपकी कृपा से दोनों जच्चा बच्चा ठीक है। शबनी तुम ठीक हो ना? आराम से। शबनी अंदर चल के आराम कर। नहीं रोहन हम ठीक। शबनी हम ठीक है। आप क्या बोल रही थी कि सजा बढ़ाएंगी? तो ठीक है बढ़ाइए, और श्रवणी की सजा भी हम भुगतने को तैयार। क्योंकि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो आपकी दी हुई सजा को भुगते। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो सजा है वो सिर्फ आज के लिए है, बस तुम दोनों आज की सजा पूरी कर लो। क्या कहा तुमने? सजा पूरी कर दे। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुमने देखा नहीं कि श्रवणी चक्कर खा के गिर गई, और तुम सजा पूरी करने की बात कर रही हो? आप लोग तो कम से कम समझने की कोशिश कीजिए। हाँ तो जानते हैं पेट से, इसलिए कह रहे हैं कि सजा कल भुगत लेना, पूरी कर लेना। कोई जरूरत नहीं है,
हम सारी सजा आज ही पूरी करेंगे। सुनी, लेकिन इस हालत में तुम? रोहन, हम ठीक है। स्वीटी, तुम्हें जो सजा देनी है दो, जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा। मम्मी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम बस तीसरी सजा के मजे लो। काहे के ऐसे मौके बार बार नहीं आते। देखो कितना सुंदर कमरा सजवाया है, है ना? बहुत बढ़िया, सुहागरात की सीज सजाने में तो तुम माहिर हो। वैसे पिछली बार भी तुमने बहुत बढ़िया से सजाई थी, लेकिन फिर खुद ही उस पर पानी भी फेर दिया था, याद है? मांग में सिंदूर भर लेने से कोई धर्म पत्नी नहीं होती है। एक ये सिंदूर ही ऐसी चीज है जो उधार पर नहीं मिलती, इसलिए भीख में दे रहे तुम्हें। एक नई नवेली दुल्हन को तुम्हारी वजह से कितना मायूस होना पड़ा था, तो आज तुम्हारी उस गलती को सुधारा जाए, है ना शिवांश? शिवांश, आज तुम इसके सामने हमको गले लगाओगे। चलो गले लगाओ। यहाँ? यहाँ नहीं तो कहाँ? लगाओ गले, और नौकर के सामने शर्मा क्यों रहे हो? और आज हम तुम्हें जो कुछ भी कहेंगे तुम्हें सब कुछ मानना पड़ेगा। गले लगाओ जैसे पति पत्नी गले लगाते हैं। वैसे शिवांश, एक बात तो है, हमारी शादी में ना कोई फोटो ही नहीं खींचे थे हमने। इतने सुंदर सजे थे फिर भी फोटो नहीं खींच पाए। एक काम करते हैं, आज हम दोनों फोटो खिंचवाते हैं। ये लो, हमारा फोन लो और हमारी अच्छी अच्छी फोटो खींचो। पकड़ो। अरे क्या सोच रही हो, लो ना। अच्छी अच्छी फोटो खींचना जैसे कपल्स की होती है, बिल्कुल वैसे। हाय हमारे पति देव, चलो हम फोटो खिंचवाते हैं।
सुहागरात की फोटो बिस्तर पे ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चलो चलो। थोड़ा मुस्कुराइए भी। अरे तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो, चलो हंसो। हंसो हमारे पति जी, मुस्कुराओ। हो जाओ, अब टाइटैनिक पोज बनाते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। तुम्हें पता है ना टाइटैनिक पोज कैसा होता है? हाथ ऊपर करो, ऊपर करो हाथ। हाँ ये हाथ भी। अरे तुम्हें टाइटैनिक पोज भी नहीं आता। चलो हाँ, अब ऐसे 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 करो, करो पैर करो करो। बोलो मत, तुम दोनों अब हमारी हाथ की कठपुतली हो, तो हमारे कह बिना रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते, समझे? बस बहुत हो गया। कैसे पति हो तुम? हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम इसके साथ हमारे ऊपर हंस रहे हो? इसके साथ जो हमारी शादी तोड़ना चाहती थी। लाओ हमारे फोन वापस कर। ठीक है, अब हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करोगे। अब तुम इसको इस सुहागरात के कमरे से थपके मारकर बाहर निकालोगे। अभी के अभी। अम्मा अनुमति दीजिए, अम्मा को रोहन के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। चलो शमनी, रो रो शमनी शमनी, देखो हम आपके आगे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमको हमारे बच्चे से दूर मत कीजिए, हम जी नहीं पाएंगे, हम विनती करते हैं आपसे, रुक जाइए। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।